लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। धोनी ने किया ऐसा इशारा, कुलदीप ने झटक डाले 4 विकेट। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम टॉस जीतने के बाद पहली फील्डिंग करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद अंग्रेज टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। ओपनिंग बल्लेबाज जोस बटलर ने ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू कर दी और फिर लगातार बाउंड्री पर गेंद पहुंचाना शुरू कर दिया। विकेट की तलाश में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने पहली सफलता जेसन रॉय के रूप में मिला और फिर दूसरे विकेट की तलाश में उतर गए। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसी चाल चली कि पहले तो इंग्लैंड के बढ़ते स्कोर हुए को कम करने के लिए शुरू में ही स्पिनर का यूज किया और कामयाब भी रहे। कुलदीप अपना पहला ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर बाउंड्री खानी पड़ी। फिर धोनी ने इशारे में लाइन लेंथ पर लगातार रखने के लिए कहा। फिर क्या था, उसके बाद 4 डॉट बॉल और एक सिंगल रन दिए। अब बारी थी धोनी की चतुराई वाली चाल की। कप्तान विराट कोहली के साथ बातचीत करते हुए धोनी ने कुलदीप को बॉलिंग में लगातार रखने को कहा। दूसरे ओवर में कुलदीप ने गेंद को लाइन लेंथ में रखी और क्रॉस खेलने के चक्कर में एलेक्स हेल्स बोल्ड हो गए। कुलदीप यही नहीं रुके और अगले ही ओवर में इंग्लैंड के कप्तान यॉन मॉर्गन को भी विराट के हाथों कैच आउट कराया। इसी ओवर ने धोनी ने बैक टू बैक 2 स्टंपिंग कर डाली।